होते हैं, पीछे वाले लेग होते हैं, पीछे वाले लेग होते हैं, ये वाला बड़ा वाला लेग जो है ना, ये पीछे वाला लेग, हाइंड लेग, ये होता है ग्रास ऑपर में। ठीक है, क्लिंगिंग जो है वो हमने यहाँ पर पढ़ी पढ़ा था कि ह्यूमन लाइज जो है यहाँ पर अभी ये चल रही थी। क्लिंगिंग, ये हुक लाइक होते हैं, इसके जो लेग्स होते हैं ये जैसे बालों को, बालों पे बिल्कुल नहीं चल रही होती है, हुक से अपने अपने पैरों से ना उसके इसके लेग में ऐसे हुक होते हैं, ये आराम से पकड़ लेती है, उसको होल्ड कर लेती है। अच्छा, क्रूसोरियल जो होते हैं, साउंड प्रोडक्शन होती है, ये आंट और वास्प में होते हैं, ये आंट और वास्प। सोरियल जो होते हैं वो डिगिंग के लिए होते हैं, अक्सर जो है कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो जमीन में जाते हैं, तो वो जमीन को खोदने के लिए जो होते हैं मोल क्रिकेट, उनके जो फोर लेग होते हैं, आगे के लेग होते हैं, वो इस टाइप के होते हैं। वो किस टाइप के होते हैं? फसोरियल लेग, जो कि डिगिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ये पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया हुआ है पूरा, ये मॉडिफिकेशन ऑफ लेग है और ये एग्जाम्पल्स हैं, और उसी के ही आगे उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। अच्छा, नेटाटोरियल जो है वो स्विमिंग के लिए, बिटे लेग स्विमिंग के लिए वो यूज अपने यूज करती है लेग, तो वो उसको कहते हैं नेटाटोरियल लेग टाइप। ये हाइंड लेग जो होती है वाटर बग की, वो नेटाटोरियल होती है। अच्छा, आप लोगों ने इस इंसेक्ट को देखा, ये बहुत खतरनाक इंसेक्ट है। ये होता है, इसके जो लेग्स होते हैं ना वो रेप्टोरियल होते हैं, प्रेइंग, शिकार करने के लिए ये अपने लेग्स अपने जो यूज करता है, फोर लेग ऑफ प्रेइंग मैंडेट, ये प्रेइंग शिकार के लिए यूज करता है। इसके जो टाइप होती है वो रेप्टोरियल होती है, रेप्टोटोरियल। अच्छा, बास्केट लाइक किसके होते हैं? ड्रैगन फ्लाई और डैमसिल फ्लाई के, जैसा कि उसके सामने मैंने पिक्चर लगाई है। अच्छा, पॉलन कलेक्टर जो होते हैं ना, ये जो हनी भी है, ये दिख रहा है आपको येलो कलर का, इसके जो लेग के ऊपर है, ये पॉलन कलेक्टर, इसमें से पॉलन भर दिए हैं, तो ये इसके जो पॉलन कलेक्टर जो होते हैं, हाइंड लेग ऑफ वर्कर बी, वर्कर बी के कैसे होते हैं, पॉलन कलेक्टर होते हैं इसके हाइंड विंग। ये वहां पर तस्वीर थोड़ी छोटी थी तो मैंने इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी करके दिखा दी है कि आपको पता चल जाए फोर लेग और मिड लेग ये कॉन्सेप्ट है। और ये सेल्टाटोरियल एम्बुलेटरी वॉकिंग के लिए, और सेल्टाटोरियल जंपिंग के लिए, ये वाला बड़ा वाला लेग। ये वॉकिंग के लिए एम्बुलेटरी जो है इनके वॉक। अच्छा, पॉलन कलेक्टर के लिए ये हनी बी, और वो जो वाटर बग बिटिल थी ना वो ये है डैमसिल फ्लाई और ड्रैगन फ्लाई। ये नेटोरियल जो थी उसकी, ये जो वाटर में जो इसके देखें लेग्स, इसकी मॉडिफिकेशन देखें, ये पानी में तैरने के लिए इनकी ऐसी मॉडिफिकेशन, इसको कहते हैं नेटाटोरियल लेग्स होते हैं इसके। फसोरियल कैसे मैंने बताया, जो डिगिंग के लिए होते हैं वो ये है, मॉल क्रिकेट होता है वो, ये आंट, और ये देखें ये है रेप्टोरियल वाला जो मैंने अभी बताया ना प्रेंग मैंडेट्स, ये शिकार वो बिल्कुल परफेक्ट शिकार करता है अपना, तो अभी देखिएगा इसमें ये बिल्कुल अपना परफेक्ट शिकार करेगा। ये सिर्फ अभी यहाँ पर हनी बी को दिखा रहे हैं, लेकिन ये हनी बी नहीं, ये अच्छे खासे रेप्टाइल और अच्छे खासे जो मतलब सांप वगैरह इन इन पर भी अटैक कर देता है ये। और ये इतना खतरनाक है कि अपना जो पार्टनर होता है इसका, ये उसको भी खा जाती है, ये इसमें कैनाबॉलिज्म भी होता है, ये अपने पार्टनर को भी खा जाते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन। इनके कैसे थे मैंने लेग बताए, मैंडेट के रेप्टोरियल। देखें कैसे शिकार कर रहा है वो, ये सारी तस्वीरें प्रेइंग मैंडेट की थी, ये ह्यूमन लाउस कैसे वो अपने लेग को यूज करते हुए बालों पे चल रही है, ये देखें यहाँ पर क्लिंगिंग टाइप होते हैं इनके लेग, ये मॉल क्रिकेट डिगिंग टाइप होते हैं इनके।
रेस्पिरेशन, हमने पढ़ी थी कि ट्रेकियल सिस्टम के जरिए होती है। इनमें जैसे हम लोग नाक के जरिए रेस्पिरेशन करते हैं, ये जो है सांस लेते हैं हम, तो ये करते हैं स्पायरेकल के जरिए। और स्पायरेकल के ही जरिए इनकी जो रेस्पिरेशन होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ये। अभी इसको थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा डिटेल में और बताऊंगी। ये कॉकरोच का रेस्पिरेशन, थोड़ा सा आप देखें जरा सी ये वीडियो। अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी बताया था ना, स्पायरेकल थे नीचे एब्डोमेन जमीन की तरफ, ये देखें स्पायरेकल थे ना, ये सारे स्पायरेकल, ये कहाँ जा रहे हैं, ट्रैकिया, मतलब एक ट्रैकिया सिस्टम होता है, ट्रैकियल सिस्टम। ये जो व्हाइट व्हाइट है ना, ये सारी ट्यूब्स हैं जिससे आप ये सांस ले, सांस जो हवा आती है अंदर, ऑक्सीजन आती है, वो इसके जरिए पूरी बॉडी में जो है वो फैलती है। देखिए यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है स्पायरेकल, सारी चीजें वो, ये देखें ये स्पायरेकल। ये कॉकरोच का है, मैंने बताया सिर्फ शेप चेंज होगी, ओवरऑल हर चीज, सारा सिस्टम, सब चीजें एक जैसी होंगी। ये देखो ये जो एरोज बनाया हुआ है वो क्या था, एयर अंदर जा रही थी, फिर फर्दर ट्रेकिया जो है वो डिवाइड हो जाएगा ट्रेकियोल्स में। देखें यहाँ से ये एयर अंदर आएगी, व्हाइट वाले, पोर्शन, ये देखें हवा आ रही है अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर चली जाएगी इसी स्पेरिकल के जरिए। और ये हैं क्या, व्हाइट वाले क्या हैं, ट्रैकियोल, और ये जो सुराख है ये जो है ट्रैकिया, और ये जो बाहर निकल रही है जो ओपनिंग है ना, जैसे प्लांट में होती है स्टोमेटा, इसी तरीके से जो इंसेक्ट होती है, इंसेक्ट होते हैं उनमें जो ओपनिंग होती है सांस लेने की, उसको कहते हैं स्पेरिकल। डाइजेस्टिव सिस्टम है इंसेक्ट का, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बेसिकली डिवाइड हुआ हुआ होता है तीन पार्ट में। लेकिन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ये सवाल करना चाहती हूँ, रिस्पायरेशन में कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे बताएं, ताकि फिर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करूँ। हेलो, आवाज आ रही है जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी, समझ में आ रहा है, किसी को कोई कंफ्यूजन है प्रीवियस वाले टॉपिक में तो फिर मुझे बताएं, ताकि मैं डाइजेस्टिव पे चलूं, फिर नर्वस सिस्टम है, फिर इंसेप्ट इंटीग्यूमेंट है, और भी दूसरे टॉपिक हैं मेरे पास। मैडम इतना आज ना करवाएं क्योंकि काफी चीजें वो पहले से जो है ना वो भाई कमीशन का टेस्ट है भाई, क्यों बच्चे बने हुए आप सब, क्यों डर रहे हैं, पढ़े हैं आप, मैं दूंगी ना ये सारी स्लाइड आपको दूंगी, और कोई चीज पूछनी होगी तो हम हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट। क्या चीज रिपीट करनी है मुझे बताओ, मैं 10 बार रिपीट करूंगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्लियर कर लें आप चीजें मैम, सबके लिए, VVIP, बहुत टफ मैम है मैम। नहीं बेटा कोई मसला नहीं है, बार बार पढ़ेंगे, हमें भी अच्छे से याद हो गई है सारी चीजें। बेटा अगर ये सारी अभी मॉर्फोलॉजी को मैं अभी इतने सारे दिन खींचती जाऊंगी तो कब मैं पढ़ाऊंगी IPM, कब मैं पढ़ाऊंगी वो दूसरी चीजें। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें आप ये पढ़ें, ताकि आपको हाउ नो, इनमें से अगर सवाल आए तो आपका एक एक मार्क्स पे जो है ना कॉम्पिटिशन है, वो आपका एक एक मार्क्स खराब ना हो जाए। बाकी आप लोगों की मर्जी है, मैं यही खत्म कर देती हूँ। बताएं आप लोग, मशवरा दें मुझे, फिर मैं स्टार्ट करूं डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर नहीं। गुलाम नबी चलो आप उसको स्टार्ट करें डाइजेस्टिव सिस्टम को, इसको कर लेते हैं फिर बाद में पूछ लेते हैं ठीक है पार्टिसिपेंट्स। मैम, देयर आर सम इंजीनियरिंग साइड स्टूडेंट्स, ऑफ काइंडली क्लियर है बेटा, मैं वही तो कह रही हूँ, आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही मुझे बताएं। गुलाम नबी बाबर है, नहीं बेटा, अच्छा चलो बताएं मुझे टॉपिक कौन सा रिपीट करना है, क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि बस आपको चीज समझ में आनी चाहिए। बेटा देखो मेहनत से बनाई गई है हर चीज, बहुत मुख्तलिफ रिसोर्सेज से इकट्ठा की हुई है, बस यही कि आपको कम वक्त में अच्छे से अच्छा मटेरियल और ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड हो जाए,
हम सब आपके लिए ही बैठे हुए हैं ना। अगर आप लोगों को कुछ चीज रिपीट भी करवानी है तो मैं 10 बार रिपीट करने के लिए तैयार हूँ। मुझे यहाँ टॉपिक का नेम बताओ, मैं रिपीट करती हूँ। कौन सी स्लाइड रिपीट करनी है, या फिर मैम आगे चलना है तो आगे चलती हूँ। हेरा, आप इसको डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लें, अगर 2-3 स्लाइड जो भी हैं कंप्लीट करके फिर हम आंसर एंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है? नहीं बेटा, आगे देखो नहीं बेटा जाना। सब अच्छा, एक बच्चे का सवाल है कि सब कुछ रट्टा है। देखो बेटा, मैंने जो पढ़ाया है ना वो रट्टे के तौर पे नहीं पढ़ाया, मैंने थोड़ा मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं कि भाई बीटिड भी है तो वो किस लिए है, सेल्टाटोरियल है, जंपिंग लाइक है, एम्बुलेटरी है, वो वॉकिंग टाइप है। बताने का मकसद भी यही है। आप रट्टा लगाने वाले भी मतलब इसी स्टेज पे मुझसे तो नहीं लगता भाई रट्टा, तो थोड़ा बहुत ये चीजें अगर हम पढ़ेंगे ना चीजें और तस्वीरें देख के और थोड़ा बहुत हिंट लेके और थोड़ी बहुत बातें कॉन्सेप्ट वगैरह ये चीजें, तो आपको अच्छा खासा याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे आते हैं। जैसा कि आप तस्वीर देख रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो है तीन मतलब सेगमेंट पर मुश्तमिल है। एक है फोरगट, मिडगट जिसको स्टमक कहते हैं, और एक को कहते हैं हाइंडगट। जैसा कि मैंने बताया कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो जाहिर है ये सोचते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, इनका एक्सक्रीशन भी होता है। तो इनका जो है जिस तरीके से हम खाते हैं हमारा स्टमक में जाता है, इसी तरीके से ये लोग भी खाते हैं मतलब इंसेक्ट खाते हैं। तो एक्सक्रीशन जो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके जो पार्ट हैं वो तीन हैं। कौन कौन से हैं अभी मैंने बताया, फोरगट, मिडगट जिसका स्टमक है, हाइंडगट ये पीछे वाला हिस्सा, ये वाला। ठीक है, अच्छा जो हमारा स्टमक होता है ना, थोड़ा बहुत खाना वहां पे जाके रुकता है, फिर डाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता होती है। तो इनका जो हमारा स्टमक होता है, इनका क्या होता है, क्रॉप। अक्सर ये पेपरों में पूछ लिया जाता है कि क्या क्रॉप का क्या काम है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट में। तो लोग समझते हैं क्रॉप तो भाई ये यील्ड है, कोई फसल है, कोई क्रॉप ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं, क्रॉप जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, और उसका काम क्या है, वो स्टोर करता है। ये काम भी पूछ लिया जाता है कि क्रॉप का क्या काम है, तो वो स्टोर करता है फूड। ठीक है, अक्सर जो है कुछ ऐसी जगहों पर भी इंसेक्ट होते हैं जहां पर काफी टाइम मतलब काफी लंबे एरिया तक जो है वो दूर दूर तक कोई फूड नहीं होता, तो ये अब जो इन्होंने क्रॉप में खाना जमा किया हुआ होता है उससे भी अपनी न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा जो जाहिर है जब खाना खाएंगे तो एक्सक्रीट भी करेंगे कुछ ना कुछ, तो एक्सक्रीशन के लिए जो इनके पास ट्यूब्यूल्स होती है वो होती है मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, मालपिजियन ट्यूब्यूल्स का जो है फंक्शन बिल्कुल सिमिलर कैसा होता है, जैसा कि हमारी बॉडी में किडनी होती है ना, किडनी एक्सक्रीट करती है हमारी बॉडी में, तो इसी तरीके से इनकी भी जो है वो बॉडी में मालपिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि रिमूव करती हैं वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल जो होता है बॉडी का, उससे जो मतलब उसको एक्सक्रीट करती हैं वो हाइंड गट के जरिए। तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे मेड अप बना हुआ होता है, यह मेलपिगियन ट्यूब्यूल से। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा फिर खाना जो है वो खाया इसने इंसेक्ट ने, कोई भी समझ लें इसने, जैसे कोई पत्ता खा लिया है कोई भी जो है ना, ठीक है समझ लें जैसे ये लोकस्ट ही है, लोकस्ट और ग्रास ऊपर की दोनों बॉडी एक ही जैसी है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो इन्होंने खाना खाया, ये क्रॉप में गया, क्रॉप में जाके यहाँ पर जो है वो गैस्ट्रिक, ये जो है इसके प्रोजेक्शन लाइक जो है ना, ये तो मेलपिजियन है, लेकिन इससे पहले एक और होती है वो हाँ उसको कहते हैं गिजर्ड, मतलब जैसा कि जो ग्राइंड करता है खाने को। जाहिर है इसने अब जैसे कोई पत्ता खाया है या फिर कोई क्रॉप की फसल कुछ ऐसी चीजें खा ली हैं जो जाहिर है उनको ग्राइंड तो करना पड़ेगा ना लाजमी, तो उसको जो ग्राइंड करती है ना, एक इनके अंदर एक मशीन होती है उस ग्राइंड जो इसको इसोफेगस, तो वहां पर जो है ग्राइंड जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनको गिजर्ड कहते हैं। वो उनका क्या काम होता है ये भी पूछ लिया जाता है कि क्रॉप का काम क्या है, स्टोर करना, और गिजर्ड का काम क्या काम है, ग्राइंड करना। ठीक है, फिर ये यहाँ पर आएगा मिडगट में, मिडगट से जितनी भी इसमें जो भी मतलब खाने से जितनी भी न्यूट्रिएंट इसको लेनी होती है बॉडी को, इंसेक्ट को, इंसेक्ट की बॉडी को वो ले लेते हैं, और जितनी भी निकालनी होती है जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल होता है वो मेलपिगियन ट्यूब्यूल से ही यहीं पर ही इसी में ही वो शामिल हो जाता है, और फिर ये रेक्टम और एनस से बाहर चले जाते हैं। अच्छा ये भी एक सवाल आ जाता है, जो बाहर वाला जो मतलब एक मटेरियल निकला है इंसेक्ट में से उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं यूरिक एसिड। ठीक है, अच्छा ये वाला जो है तनावा सिस्टम है, अच्छा ये देखें इसमें
ये वाला स्टमक, स्टमक जो है वो क्या मैंने बताया था, ये जो क्रॉप है, क्रॉप जो है वो स्टमक के तौर पे काम करता है, ये वाला और ये वाला, और ये मेलफीगियन ट्यूब्यूल्स ये वाली आ गई, ये हर्ट, ये और ये रेक्टम और एनस। इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पर देखें। तस्वीर कहाँ चली गई? हाँ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की। अच्छा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने लगाई थी वीडियो, शायद मुझसे डिलीट हो गई है। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की भी थी, वो इसी तरीके से थी कि उसने खाना खाया, उसने मतलब इंसेक्ट ने जो भी खाया वो किस तरीके से यहाँ पर पूरा जो है वो एलिमेंट्री कैनाल से होता होता जो है वो यहाँ से क्रिएट हो जाता है। तो इसको जो है वो बस यही इसमें से अक्सर पूछ लिया जाता है कि क्रॉप का क्या काम है, वो स्टोर करता है, मेलफिगन ट्यूब्यूल्स का क्या काम है, वो एक्सक्रीट करता है। तो ये इतना इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं होती हैं। और गिजर्ड का क्या काम है, वो ग्राइंड करता है, बस ये चीज़ें थोड़ी बहुत पूछ ली जाती हैं। अच्छा, अब नर्वस सिस्टम पर आ जाते हैं। जो नर्वस है ना, नर्वस सिस्टम जैसे हमारा नर्वस सिस्टम होता है, हम तो हमारा भी ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका भी जो है वो मुश्तमिल किससे होता है, ब्रेन से मुश्तमिल होता है। किसी को कोई सवाल है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है तो मुझसे पूछ लें, ताकि फिर मैं नर्वस सिस्टम स्टार्ट करूं। ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और थोड़ी मोटी मोटी चीज़ें ही हैं इसमें भी ऊपर। हाँ, गुलाम नबी चैट बॉक्स खोल दें। हेलो गुलाम नबी। आवाज आ रही है आपकी? हाँ, मैं कह रही हूँ कि मैं नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर रही हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में वो ही थी बस थोड़ी बहुत चीज़ें, कि तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लें, ताकि मैं नर्वस सिस्टम स्टार्ट करूँ। मैम ये सब आज रात में, हाँ मैं मैम करें स्टार्ट। मेल बेटा, मेल पिगियन, मेली मैली गम नहीं बोला मैंने, मेल पीजियन ट्यूब्यूल्स बोला है, जो एक्सक्रीशन के लिए काम आती है, वो लिखा हुआ है ना ऊपर, मैंने यहाँ पर रेड भी किया हुआ है उसको, ये देखिए मैंने रेड किया हुआ है ना उसको, यही पूछ लिया जाता है बस, कि एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो वेस्टिंग वाला, जो रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, मटेरियल को, वो किसके जरिए रिमूव होता है, वो होता है मेल पीजियन ट्यूब्यूल के जरिए, ठीक है, वो एक्सक्रीशन का पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो चार तीन पार्ट हैं, जिसमें जो है वो फोरगर्ड, मिडगर्ड, हाइंडगर्ड। तो ये इसमें क्रॉप होता है, क्रॉप का पूछ लिया जाता है कि भाई क्रॉप का क्या काम है, तो वो आपने बताना है कि वो स्टोर करता है फूड। फिर अगर पूछ लिया जाता है कि ना गिजर्ड का क्या काम है, तो गिजर्ड का पूछ लिया जाता है कि ये ग्राइंड करता है फूड। तो और फिर जो है मेलपिगियन ट्यूब्यूल से एक्सक्रीट, मतलब जो भी बॉडी में जो है वो वेस्ट मटेरियल होता है वो एक्सक्रीट करने के लिए मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स आ जाती हैं। फिर ये सारी चीजें जो है वो एक रेक्टम में, यहाँ से इस पूरी जो ये पाइप है ना, समझना, इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, एक कैनाल, एक सुरंग है ये, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब समझ में आइए, आगे चले। जी जी मैम, चलें। हाँ, ठीक है। अच्छा, नर्वस सिस्टम मैंने बताया कि जाहिर है जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है, क्योंकि ये भी मतलब जानदार है, किंगडम एनिमेलिया में इनको रखा गया है, तो जाहिर है हम भी उसी में ही है, तो काफी सारी सिमिलरिटीज इनकी और हमारी एक जैसी है, जैसे इनके में भी नर्वस सिस्टम है, हमारे पास भी है, हमारा भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इनका भी है, हमारा भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनका भी है, तो यही सारी चीज है। अच्छा, तो अब ये है कि इनका जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो मतलब इनका जो बेसिक यूनिट है ना नर्वस सिस्टम का, उसको कहते हैं न्यूरोन, सेंसरी ऑर्गन है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो इनका सेंसरी ऑर्गन है, मतलब एक हमारा भी जितने भी नर्वस सिस्टम है उनका जो बेसिक यूनिट होता है ना वो नर्व सेल होता है, सही है, नर्व सेल,
जो बायो के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है, जो मतलब किस नर्वस सिस्टम किससे मिलके बनता है, जो स्टार्ट वो कहाँ से होता है, वो होता है न्यूरॉन से। तो सेंसरी ऑर्गन है ये, और इसमें जो है जो भी जो मतलब काफी सारे न्यूरॉन जो मिलके ना ग्रुप बनाते हैं ना, ये जो आप नीचे देख रहे हो ये ग्रुप, ये एक, ये दो, ये जितने भी ये ग्रुप है ना, ये बहुत सारे न्यूरॉन मिलके इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, इसको कहते हैं गैंग्लिया। ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड गैंग्लिया। तो अच्छा, न्यूरॉन की भी जो है वो, अब ये जो गैंग्लिया है, अगर ये थॉरेक्स के रीजन में आ रही है कुछ, ये अच्छा ये भी पूछ लिया जाता है कि नर्वस सिस्टम जो है वो कौन से रीजन में। तो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में क्या बताया था, नीचे वाला जो हिस्सा है वो वेंट्रल, मतलब वेंट्रल वाला पार्ट। तो इसी वजह से ये देखें, अगर अब पूछ लिया जाए कि नर्वस सिस्टम कौन से रीजन में होता है, तो आपने बताना है वेंट्रल रीजन में। ये देख रहे हैं आप, वेंट्रल, इंसेक्ट के वेंट्रल जो जमीन की तरफ होता है ना हिस्सा, उस वो वहां होता है ये। और ग्रुप ऑफ जो न्यूरॉन जो है वो इसका बेसिक यूनिट है, और न्यूरॉन को जो मिलाकर जो ग्रुप बनता है, जो नीचे आप देख रहे हैं पाउच पाउच से जो बने हुए हैं ग्रुप, वो है क्या, न्यूरॉन का ग्रुप है। और एक ग्रुप को, एक एक ग्रुप को क्या कहेंगे, गैंग्लिया। समझ में आ गई, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन जो है वो उसको मिलाया हुआ है फाइबर्स को एक दूसरे से जो अटैच है, ये गैंग्लिया है। और जो एक दूसरे से ये अटैच है ना, जो ब्रिज बनाया हुआ है, एक गैंग्लिया दूसरे गैंग्लिया से जो मिलके बनाया हुआ है, उसको कहते हैं सेनाप्सिस। ठीक है, अभी मैं यहाँ आगे पढ़ाऊंगी तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज मिला रही है। अच्छा देखिए, हम ना कोई कोई गर्म तवा है सामने, अगर हम उसको हाथ रखते हैं, या मतलब हम लेडीज अगर रोटियां बनाती हैं तो हमारा हाथ जल रहा होता है, फौरन से हाथ पीछे करते हैं। तो ये बहुत नैनो सेकंड में होता है कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है हमारे हाथ पे, वो हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं, फिर ब्रेन जो है वो हमारा वापस आके जो है वो हाथ पर हमें कहता है कि भाई इसको, हाथ को पीछे हटा लो वरना हाथ जल जाएगा। तो पहले तो क्या हुआ, जो हमारे हाथ में लगा गरम, फिर वो जो मैसेज ऊपर गया वो क्या हुआ, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए गया। ठीक है, फिर जब सेंसरी न्यूरॉन से वापस जो मैसेज आया है ब्रेन के थ्रू, ब्रेन में पहले तो किस में हुआ कि हमारा जो हाथ जला था पूरी, हमारा उस जगह से लेके हमारे ब्रेन तक, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ब्रेन, नर्वस सिस्टम जो है वो ये ब्रेन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना फर्स्ट लाइन में कि नर्वस सिस्टम किस पे मुश्तमिल है, ब्रेन पे मुश्तमिल है, ये पढ़ा है ना हमने। ठीक है, तो जो भी मैसेज होंगे ना वो कहाँ जाएंगे, ब्रेन पे। देखो यहाँ पर नजर आ रहे हैं ना ये वाले जो हैं, ये वाले जो हैं प्रोजेक्शन, ये गैंग्लिया हैं। और ये एक गैंग्लिया किससे मिलके बना हुआ होता है, उससे, न्यूरॉन से। तो इसने क्या किया, हमने जब हमारा हाथ जला तो हमारा जो जिस जगह पे हाथ जला था वहां से लेके, ये मैं दिखाती हूँ, वहां से लेके जो हमारे ब्रेन तक है वो मैसेज कौन लेके गया, सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, फिर वहां से वापस जो एक मैसेज आया कि भाई हाथ हटाओ, वो कौन लेकर आएगा, वो लेकर आएगा मोटर न्यूरॉन। वापस कौन लेकर आ रहा है, मोटर न्यूरॉन, लेके कौन जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन। इन दोनों को कौन मिक्स कर रहा है, मिक्स्ड न्यूरॉन। तीन टाइप के न्यूरॉन होते हैं, याद रखिएगा। पहले क्या हुआ, आपका हाथ जला, या फिर भाई इंसेक्ट की बात कर लेते हैं कि उसने देखा कि भाई यहाँ पे पेस्टिसाइड का जो है वो यू इस्तेमाल हो रहा है, एप्लीकेशन की जा रही है, तो उसको फील हुआ कि भाई अब मुझ पे ना केमिकल लगने वाला है, उसने अपने दिमाग पर जो है वो मैसेज पहुंचाया। तो ये कौन लेके गया, सेंसरी न्यूरॉन, जो उसका दिमाग से वापस उसके जो है वो उस जगह पर जो उसके हाथ पे लगी या कहीं पर भी उसके बॉडी पार्ट पर, तो उसने क्या कहा कि भाई यहाँ से भाग लो। तो वो यहाँ से फिर वो दूसरे मूव मूव कर जाता है, कहीं और चले जाता है। तो वो जो मैसेज आया था दिमाग से वो मोटर न्यूरॉन लेकर आएगा, और जो उसका जो मतलब जहाँ से कोई प्रॉब्लम हुई है वहां पे कौन लेके गया है, वहां से दिमाग पे कौन लेके गया है, सेंसरी न्यूरॉन। समझ में आ गई, और इन दोनों न्यूरॉन को कौन मिला रहा है, मिक्स्ड न्यूरॉन। आगे चलते हैं, इतना बस, ये इसका ये एक वो है न्यूरॉन का जो है वो सिस्टम, और उसके जो है उसके काम। ये देखें थोड़ी सी वीडियो है मैंने बनाई है, फिर इसमें अगर कोई सवाल हो तो फिर मुझे बताइएगा।
देखें, ब्रेन है, ब्रेन से नीचे ये जितना भी ये येलो वाली लाइन देख रही है, देख रहे हैं ना आप, ये वेंट्रल नर्व कोर्ड है, मतलब नीचे वाली जो वेंट्रल वाली जो हिस्सा है ना, ये सारा नर्वस सिस्टम इसी में ही आता है। ये ब्रेन हो गया, ये कंपाउंड आई, ये गैंग्लिया। गैंग्लिया मैंने क्या बताया, ये देखो गैंग्लिया बता रहा है ना। गैंग्लिया क्या है, न्यूरॉन का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड गैंग्लिया। अच्छा, वेंट्रल नर्व कॉर्ड यही वही दिखाया है, फिर ये इसका ब्रेन वो शायद हाफ थी इसलिए इसको ये फुल मैंने दोबारा दूसरी लगाई है। ये गैंग्लियन, यहाँ पर गैंग्लियन और ये प्लूरल जो होगा वो गैंग्लिया, ये सारे गैंग्लियन। अच्छा, ये इसमें ये देख रहे हैं आप, ये येलो वाला जो हिस्सा है वो नर्वस सिस्टम का है, जो पीछे पिंक वाला हिस्सा है ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, उस पर गौर नहीं करिएगा, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। अच्छा, ये देखें ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ये देख रहे हैं ये रेड रेड कलर के कितने सारे न्यूरोन्स हैं इसमें, ये दिख रहे हैं आप गुलाम नबी, दिख रही है ना स्क्रीन जी जी बिल्कुल दिख रही है। जी। ये देखें, एक न्यूरॉन है ना, ये सेल है, ये मतलब समझ ले नर्वस सिस्टम का एक बेसिक यूनिट है, जिसमें जो बहुत सारे मिलकर जो है वो गैंग्लियन बनाते हैं। और उस ये जो मैंने बताया था ना कि वो जो हाथ जलने वाला था और वो जो इंसेक्ट के ऊपर पेस्टिसाइड का असर हो रहा था, वो सारी चीजें वो स्टिमुलेट एक करंट के तौर पे जिसके जरिए चलती है ना, वो यही है न्यूरॉन। ये देखो, ये जो अभी हिस्सा दिखा रहा है ना, ये एरो, ये जो जहाँ पे चल रहा है, ये एक्सॉन, और फिर ये जहाँ पर कनेक्ट होगा ना, ये होगा हमारा जो जहाँ पर जो मतलब जो हमारा अटैच होगा बॉडी से, वो ये वाला हिस्सा होगा। ये देखें स्टिमुलाई हो रहे हैं, ये देखें ये जा रही है, ये जा रहा है मैसेज कि भाई यहाँ पर ये चीज, और ये ब्रेन से आ रहा है, फिर ब्रेन से वहां पर जाएगा वापस, तो वो कौन लेके जा रहा है, मोटर न्यूरॉन, और जो है वो वहां यहाँ से जो लेकर जाएगा हमारी बॉडी से ब्रेन की तरफ, वो जाएगा सेंसरी न्यूरॉन। एक्शन हुआ, ये देख रहे हैं कितनी माइंड बिल्कुल नैनो सेकंड में होता है, ये फौरन जो है हम अपना हाथ हटाते हैं जैसे ही तवे पे हमारा हाथ चल रहा हो। ठीक है, ये था उसमें। अच्छा, वो एक और चीज है, मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ, आप ऐसे नोट कर लें। इंसेक्ट नर्वस सिस्टम जो है ना, वो तीन उसके नर्व पार्ट होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है वेस्ट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये आप याद रखिएगा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, वो कंट्रोल करता है इंसेक्ट के बिहेवियर को। जैसे ब्रेन है, उसमें मेन सेंसरी ऑर्गन आ गए, तो मेन पार्ट कौन सा हो गया इसमें, ब्रेन हो गया। ब्रेन के भी पार्ट होते हैं, फिर वो प्रो सेरिब्रम, ड्यूट्रो सेरिब्रम, टेरिडो सेरिब्रम, तो वो टाइप, वो उनको छोड़ दें, बस आप ये याद रखिएगा नर्वस सिस्टम के भी तीन सिस्टम होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो नीचे मतलब बिल्कुल बीच वाला, तो उसमें, और उसके बाद जो होगा ना वेस्ट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए, इंटरनल और नेचुरल स्ट्रक्चर को, और ब्रीथिंग के लिए जो काम करता है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम करेगा, और वर्क कनेक्शन और स्टेडियम और ज्वाइंट वगैरह के लिए जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करेगा। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है वही ब्रेन है, मतलब उसका ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सिंपल सा जो अभी कनेक्शन दिखाया था ना, उसको फिर वो सिस्टम अलग अलग तीन एक और डिवाइड कर दिए। बाकी वरना नर्वस सिस्टम का इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो अभी मैंने वीडियो दिखाई इतना भी आप लोगों ने जो याद कर लिया ना, ये भी बहुत है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो आपसे यही पूछ लेंगे कि नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट क्या है, वो मैंने आपको बताया न्यूरॉन, और उसका जो वो कंसिस्ट किस पे मुश्तमिल होता है, वो ब्रेन पर होता है, दिमाग पर होता है। फिर अगर वो पूछ लें कि न्यूरॉन की कौन सी टाइप है, तो वो मैंने आपको तीन बताई, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मिक्स्ड न्यूरॉन। और अगर नर्वस सिस्टम की टाइप पूछ ली जाए कि सीएनएस और वीएनएस और पीएनएस क्या है, तो आप बताएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वेस्ट्रल नर्वस सिस्टम। फिर इसको बहुत ज्यादा वो डिटेल में मैं और नहीं जाऊंगी, वो फिर बाद में देखेंगे हम, जब मैं हार्मोन वगैरह पढ़ाऊंगी ना, तो फिर उसमें से वो एक सवाल आता है कि जुवेनाइल हार्मोन के कहाँ से रिलीज होता है, तो वो फिर मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा नर्वस सिस्टम वो ब्रेन वगैरह दिखा के, क्योंकि वो हार्मोन वहीं से रिलीज होता है, तो वो तब करेंगे। ठीक है, अच्छा, इनफेक्ट इंटीग्यूमेंट जैसे हमारी भी स्किन होती है,
तो इसी तरह इंसेक्ट की भी स्किन होती है, तो इसके ऊपर भी अक्सर सवाल आ जाता है कि इंसेक्ट की स्किन को क्या कहते हैं। तो हाँ, आपको पता होना चाहिए कि इंसेक्ट जो है उसकी स्किन नॉर्मल नहीं होती जैसे हमारी होती है, तो उनकी जो स्किन होती है उसको कहते हैं एक्सोस्केलेटन, और उसका जो दूसरा नाम है वो है इंसेक्ट इंटेग्यूमेंट। अच्छा, इंसेक्ट इंटेग्यूमेंट और स्किन के बारे में जो ये एक दूसरा वाला मैं चैप्टर मतलब टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, इससे पहले अगर नर्वस सिस्टम में कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझे बता दें, ताकि फिर इसकी दो स्लाइड है वो फिर मैं खत्म करूंगी इसको। फिर बताएं, बुलाना भी चैट बॉक्स ओपन कर दें। गुलाम नबी, आवाज आ रही है? जी जी मैंने चैट बॉक्स ओपन कर लिया है। मैं पानी पी लें क्यों भाई, मेरी इतनी फिक्र क्यों हो गई आप लोगों को? बताएं बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो मैं बता देती हूँ, दोबारा रिपीट कर देती हूँ नर्वस सिस्टम को। मैम समझ ना आए तो रट्टा लगा लेंगे? नहीं बेटा, इसमें रट्टा नहीं लगेगा। देखा, मैंने अभी प्रीवियस सवाल अभी आपको दिखाया था ना, वो किस तरीके से घुमा फिरा के सवाल पूछा था। सिंपल वो ये भी पूछ सकते थे कि भाई हाउस फ्लाई का एंटीना कौन सा होता है, लेकिन उसने किस तरीके से एरिस्टेटा को घुमा फिरा के सवाल भेजा मतलब किया था, तो ऐसे ही सवाल आएंगे। लेकिन हाँ, नॉर्मल जनरली आएगा, लेकिन ये ओवरऑल हर चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने भी ज्यादा इसको डिटेल में नर्वस सिस्टम को नहीं बताया, वरना तो बहुत सारी चीजें इसमें हैं। तो इतना मुझे बताया, आप समझ में आया? हमें मुश्किल है बहुत मैम, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? बस आज इतना ही काफी है। थ्री टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम बता दें। अच्छा, तीन टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम जो मैंने बताई थी ना, वो ये थी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और वेसिरल। ये इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन मुश्तमिल है, उसमें ब्रेन आ जाएगा। विसरल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसा कि अभी ये मैंने एक तस्वीर है ना, तस्वीर में दिखा देती हूँ मैं आपको कि किस तरीके से इसको डिवाइड किया हुआ। ये देखें, ये दिख रहा है, इसमें थोरेसिक गैंग्लियन, एब्डोमिनल गैंग्लियन और ये वाला हिस्सा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, वो ये वाले पार्ट पर आएगा, ठीक है? फिर ये जो नीचे वाला वेसरल नर्वस सिस्टम, वो ये वाला, क्योंकि नर्वस सिस्टम की जो गैंग्लियो की जो मतलब एक लेयर है वो तो नीचे इसी पूरी पे ही है ना, तो अब जाहिर है ये वाले हिस्से को क्या कहेंगे, फिर ये वाले हिस्से को क्या कहेंगे, तो इन्होंने डिवाइड कर दिया है, फिर उसके फंक्शन भी डिवाइड कर दिए। लेकिन आप इतना डिटेल में ना जाए, अगर आप सिर्फ तीन टाइप्स भी आप याद रखेंगे ना कि नर्वस सिस्टम के तीन सिस्टम है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन आ जाएगा वो आगे वाला है, फिर है विसरल नर्वस सिस्टम, फिर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये तीन टाइप है, ठीक है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, विसरल, जिसका शॉर्ट फॉर्म मैं बता देती हूँ, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, VNS विसरल नर्वस सिस्टम, CNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर? और किसका क्या मैसेज है? ये एंड करें मैम। हाँ गुलाम ने भी बताया, हाँ न्यूरॉन हेरा, के टाइप बताऊं? न्यूरॉन के टाइप बेटा बताए थे ना, तीन टाइप थे, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन और मिक्स्ड न्यूरॉन। अगर आपको कोई हाथ जलेगा या कोई भी आपको जो है वो एक मैसेज आपकी बॉडी से दिमाग पर जाएगा, वो कौन लेके जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन। फिर दिमाग से जो वापस आएगा कि भाई हाथ हटाओ या कुछ भागो या कोई यहाँ पे सिचुएशन सही नहीं है, तो वो जो आपके दिमाग से मैसेज वापस आएगा वो आएगा मोटर न्यूरॉन से। फिर आएगा मिक्स्ड न्यूरॉन, जो इन दोनों न्यूरॉन को मिलाते हैं, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और क्या है जी, मैं हेरा लिख लिया जी, ठीक है। हाँ बेटा, हेरा, मैं गुलाम नबी बात कर रहा हूँ। जी, अच्छा ये सेनोप्सिस थोड़ा रिपीट करें बेटा। सेनोप्सिस यही होता है कि न्यूरॉन को जो मिलाने वाला जो होता है गैंग्लिया और न्यूरॉन, ये जो आप कंजक्शन मतलब एक समझ लें एक ब्रिज ब्रिज की तरह जो काम करता है ना, वो सेनोप्सिस काम करता है। मैम जगह आपकी स्लाइड नजर आ रही है, क्या बोल रही हैं ये गुलाम नबी? समझ नहीं आया मुझे हेरा, जी। आप मुझे भी मेहरबान करके थोड़ा सा सुने। तो मैं उनके अच्छा जवाब दूं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है या आप? आप यहीं पे लेक्चर को वाइंड अप करें, आगे ना जाएं, क्योंकि काफी चीजें टेक्निकल हैं, पहले बच्चे कंफ्यूज हैं।
तो इनके काफी SMS आ रहे नहीं हैं, तो कोई जो कंफ्यूज नहीं है बेटा, मुझे बताओ जल्दी से, मैं बार बार रिपीट करने आगे के लिए आगे ना तैयार जाएं, हूँ। रिपीट अगर किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले लें, उसके बाद सेशन को एंड करें यहीं पे, आगे ना जाएं। चलो ठीक है, ये फिर मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगी, ये कोई मसला नहीं, वरना इसमें मॉल्टिंग भी था देखो। चले आप बताएं बेटा क्या प्रॉब्लम है, फिर मुझे बताएं मैं उसके जवाब। पार्टिसिपेंट्स अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, और चैट बॉक्स ओपन है। सुनो थोड़ा।